जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एक और सेंटर की रिलेशन भर्ती हमारे सामने आ चुकी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फुल चार्ट मेरे पास आ चुका है। आर्मर सेंटर की ये भर्ती निकल के आई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप ये लिंक कहाँ से ले सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप कहीं भी मिस करते हो तो आप ये भूल जाएंगे कि भाई लिंक हमें कहाँ से लेना है। बिना लिंक के आप भाई भर्ती देखने नहीं जा सकते हैं सेंटर के अंदर भाई, ठीक है। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है रेड वाले बटन को दबा के। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेड वाले बटन को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। फाइनली हमारे 48,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आती है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भाई, ठीक है, जो कि वो भी बंदे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकें। तो सबसे पहले आप ऊपर पढ़िए, यहाँ पे लिखा है यूएचक्यू रिक्रूटमेंट रैली 2021-2022। और फर्स्ट पॉइंट को अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती हुई दिखाई देगी भाई, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि कंडक्टेड 1 सितंबर से 15 सितंबर 2021, मतलब आर्मर सेंटर की जो भर्ती होगी 1 सितंबर से कराई जाएगी और 15 सितंबर तक भर्ती चलेगी भाई, ठीक है। ट्रेड कौन कौन सी होने वाली, सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन। और सोल्जर ट्रेडमैन मतलब 8वीं और 10वीं पास दोनों की होगी यहाँ पे ट्रेडमैन में। साथ में आउटस्टैंडिंग जीडी, 4 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियन। तो यहाँ पे म्यूजिशियन और स्पोर्ट्समैन की भी भर्ती कराई जाएगी भाई, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न टेस्ट फॉर दी ऑल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इंट कॉप्स विल ऑल्सो बी कैरिड आउट बाई दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंट कॉप्स के रिलेशन सर्टिफिकेट हैं वो सभी को यहाँ पे आर्मी सेंटर के अंदर रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है भाई, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पे जैसे स्टेट वाइज यहाँ पे किस किस कैंडिडेट्स को कब जाना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऊपर लिखा है एनरोलमेंट रैली शेड्यूल सितंबर 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं 1 सितंबर से भर्ती स्टार्ट होगी आपकी आर्मर सेंटर में। तो 1 सितंबर को किस कैंडिडेट्स को जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मास्टरिंग एंड प्री स्क्रीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट्स अंडर PTO। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑल ZRO ARO, तो मतलब ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स को जाना है 1 सितंबर को, जो भी स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स हैं भाई, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, फिर 1 सितंबर को एप्टीट्यूड टेस्ट होगा म्यूजिशियन ट्रेड का अंडर AC डिपो के अंडर भाई, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है स्पोर्ट्समैन के ट्रायल और म्यूजिशियन के ट्रायल कब होंगे, 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ सोल्जर GD स्पोर्ट्स कोटा ओपन कैटेगरी ओनली ट्रायल रनिंग फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कैंडिडेट इन एनी शेड्यूल, मतलब ट्रायल में पास होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी रनिंग कब होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, रनिंग फॉर म्यूजिशियन कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन 1 सितंबर एंड देयर आफ्टर विल बी एलिजिबल फॉर ट्रायल। तो म्यूजिशियन वालों का भाई पहले रनिंग होगी, उसके बाद उनका ट्रायल लिया जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें, 1 सितंबर को ही भाई यहाँ पे रिलेशन कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। 1 और 2 सितंबर को भाई यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो चेन्नई ARO और मतलब ZRO जो भी होते हैं, चेन्नई और धानापुर जो जितने भी स्टेट आते हैं इनके बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, पांडिचेरी, बिहार, झारखंड, इन सभी को भाई 1 और 2 सितंबर को रिपोर्टिंग करनी है भाई। क्या कहते हैं आर्मर सेंटर के अंदर उस दिन उनकी भर्ती कराई जाएगी रिलेशन की। फिर यहाँ पे बात करें 3 और 4 सितंबर को भाई पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा की यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी भाई, ठीक है, 3 और 4 सितंबर को। फिर यहाँ पे 5 सितंबर की भाई संडे आ जाएगा तो छुट्टी रहेगी। फिर 6 और 7 को भाई आपको बता दें
यहाँ पे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल वाले कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हरियाणा के वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो अम्बाला के अंडर आते हैं, जो भी रोहतक, हिसार ये जो पढ़ते हैं भाई, उनको उस दिन रिपोर्टिंग करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 8 और 9 सितंबर को भाई, जितने भी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं उनको आना है, और उत्तराखंड वालों को उस दिन आना है 8 सितंबर को। और 9 सितंबर को कर्नाटक, केरला और मही लक्षद्वीप वालों को आना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें 10 और 11 सितंबर को भाई, यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों को आना है। फिर महाराष्ट्र 11 सितंबर को, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दामन दीव, दादर, नागर हवेली, इन सभी को आना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 12 सितंबर को, फिर आपकी यहाँ पे संडे आ जाएगा। और फिर 13 और 15 को भाई, यहाँ पे राजस्थान वालों को 13 को आना है, 15 को उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल को आना है भाई, ठीक है। और 15 को ही भाई इंट कॉप्स वालों को रिपोर्टिंग करनी है, इंट सेंटर वालों को रिपोर्टिंग करनी है भाई, ठीक है, 15 सितंबर को भाई, ठीक है। अब ट्रेड की बात कर लें यहाँ पे, जैसे कि आप ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, सोल्जर जीडी यहाँ पे होने वाली है, जैसे कि आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें, सोल्जर जीडी और क्लर्क यहाँ पे होने वाली है। तो क्लर्क जीडी में यहाँ पे कुछ आपको ट्रेड मिल जाएंगी, AFV SWR GD, सोल्जर GD, AFV कामखानी, ASWR राइडर, एज पर 61 कैब क्लास कंपोजिशन। और बात करें यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन में कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेड होने वाली हैं, आर्टिसन, वुड वर्क, स्टाफ सपोर्ट, ड्रेसर, वॉशरमैन, मेसकीपर, सेफ और हाउसकीपर की यहाँ पे भर्ती होने वाली है भाई, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चार्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये लिंक कहाँ से मिलेगा और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो वीडियो आपको आज 12-1 बजे तक मिल जाएगी, तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्म यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।